चंदनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में मोहिनी नाम की एक औरत रहती थी। मोहिनी अपनी 5 साल की बेटी चारू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। मोहिनी का पति गोपाल दिन भर खेतों में काम करने के बावजूद भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। एक रोज गोपाल मोहिनी से कहता है, अरे भाग्यवान, अब इस गांव में कुछ नहीं रखा है। पूरा दिन मेहनत करके भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैंने शहर जाने का निश्चय कर लिया है। मैं कल ही शहर जाकर कोई अच्छा सा काम ढूंढता हूँ, और जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं तुम दोनों को भी शहर बुला लूंगा। हाँ अजी, आप तो हम दोनों को छोड़कर शहर चले जाओगे, पर आपके जाने के बाद घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, तुम भी हद करती हो। अरे घर में जो थोड़े बहुत पैसे रखे हैं, जब तक उनसे काम चलाना, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो मैं तुम दोनों को अपने साथ शहर ले ही जाऊंगा। ऐसा बोलकर गोपाल अगले ही दिन शहर चला जाता है। गोपाल को शहर गए हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहिनी के पास रखे सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, घर में रखे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, अब मैं अपनी बेटी का पेट कैसे भर पाऊंगी? तभी चारू मोहिनी से बोलती है, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मोहिनी के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने पड़ोस में रहने वाली सरिता बहन से खाना मांगती है। फिर एक दो दिन तो मोहिनी आस पड़ोस से खाना मांग कर अपना और अपनी बेटी का पेट भर लेती है। मगर एक रोज जब वो फिर से सरिता बहन के पास खाना मांगने जाती है तो सरिता बहन मोहिनी से कहती है, मोहिनी बहन, तेरा पति तो तुम दोनों माँ बेटी को छोड़कर शहर में मजे करने चला गया, पर तुम दोनों माँ बेटी आए दिन किसी न किसी से खाना मांग कर खाती हो, ये अच्छा लगता है क्या तुम्हें? सरिता बहन, मैं काम तो ढूंढ रही हूँ, पर ना जाने कोई काम मिल ही नहीं रहा। तुम्हें काम मिले या ना मिले, पर अब मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती। फिर मोहिनी अपनी बेटी चारू को लेकर वहाँ से चली जाती है और गांव में घूमकर अपने लिए काम तलाशने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है पर मोहिनी को कहीं कोई काम नहीं मिलता है। वो थक कर एक मंदिर में जाकर बैठ जाती है। माँ, सुबह से रात हो गई और आपने अभी तक मुझे खाना नहीं खिलाया। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तभी चारू की नजर मंदिर में रखे लड्डुओं पर पड़ती है। लड्डुओं को देखकर चारू के मुंह में पानी आने लगता है और वो जल्दी से मंदिर में जाकर लड्डू उठाकर खाने लगती है। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं और चारू को मंदिर से लड्डू उठाकर खाता देख उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मंदिर से लड्डू चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती हैं? नहीं नहीं पंडित जी, मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की। पंडित जी मोहिनी की एक भी बात नहीं सुनते और शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। देखो तो जरा इन माँ बेटी को, अरे पहले तो ये घर घर खाना मांग कर खाया करती थी, पर अब तो ये चोरी करके खाने लगी है। अरे आज मंदिर से लड्डू चुराए हैं, क्या पता कल को पैसे भी चुराने लगे ये माँ बेटी हैं? मंदिर में चोरी करने की सजा तो इनको जरूर मिलेगी, और वो भी ऐसी इन्हें हमेशा याद रहे, ताकि फिर कभी ये मंदिर में क्या कहीं भी चोरी ना करें, समझे? फिर क्या था, गांव वाले मिलकर बाल काटने वाले को बुला लेते हैं। मोहिनी रोते हुए बोलती है, हमने कोई चोरी नहीं की है, अरे कोई तो समझो हमारी परेशानी को, हम चोर नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बाल काट कर हमें इतनी बड़ी सजा ना दो, ना दो। पर कोई मोहिनी की बात नहीं सुनता और उन दोनों के बाल काट कर उन्हें गंजा कर दिया जाता है। माँ, एक लड्डू खाने पर इन लोगों ने मेरे कितने प्यारे बाल काट डाले, माँ ये सब बहुत बुरे हैं। फिर सभी गांव वाले मोहिनी और चारू को गंजा देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे देखो तो गंगा भैया, ये दोनों तो छिले हुए अंडे के जैसी लग रही हैं। फिर इस तरह से सभी लोग उन दोनों का खूब मजाक उड़ाते हैं। चारू उन लोगों का मजाक सहन नहीं कर पाती और कुएं में जाकर कूद पड़ती है। मोहिनी भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है। रात काफी हो गई थी इसलिए सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके जाते ही मोहिनी और चारू चुड़ैल के रूप में उस कुएं से बाहर निकलती है। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज इन गांव वालों की वजह से मैं और मेरी बेटी चारू एक चुड़ैल बन गए, इन्हें तो मैं
अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर अगले ही दिन दोनों चुड़ैल माँ बेटी गांव में जाती हैं। माँ वो देखो, सरिता आंटी, इन्होंने हमारे गंजे होने पर बहुत मजाक उड़ाया था, इन्हें छोड़ना मत माँ। फिर चुड़ैल मोहिनी अपने आसपास देखती है कि कहीं कोई उन दोनों को देख तो नहीं रहा। आसपास कोई नहीं है, अब देखना मेरी बेटी मैं इसे कैसे मजा चखाती हूँ। फिर मोहिनी और चारू अपनी डरावनी शक्ल लेकर सरिता के पास जाती हैं। हाय रे दया, ये गंजी चुड़ैल एकदम से हमरे सामने कहाँ से आ धमकी रे। मुझे गंजी बोलती है, रुक अभी तुझे भी गंजा करती हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या बोल दिया रे मैंने, लगता है चुड़ैल जी नाराज हो गई। अरे चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, हमरे सुंदर बालों को बख्श दो, कृपया करके इन्हें ना काटो। हमें गंजी बोलती है, अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। फिर क्या था, चारू सरिता के सारे बाल काट देती है। सरिता रोते हुए वहाँ से भागकर अपने घर आती है और अपने पति चंदू से बोलती है, अजी मुझे उन दोनों चुड़ैलों से बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। चंदू सरिता को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अरे अरे भाग्यवान, यह कौन सा हेयर स्टाइल करवा लिया तुमने। मेरी तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही है। अजी मुझे युग गंजा देखकर आपको हंसी आ रही है, भगवान करे वो दोनों चुड़ैल आपके भी बाल काट कर ले जाए और आपको भी गंजा कर दे। फिर देखती हूँ कितनी हंसी आती है आपको। हाँ सरिता, क्या ये तुमने चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है, है? मुझे खेत पर जाने के लिए देरी हो रही है, मैं तो चला खेत पर काम करने। चंदू सरिता की बात का यकीन नहीं करता और खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। फिर सरिता घर से बाहर निकलती है तो आसपास के लोग सरिता को गंजा देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सरिता सभी लोगों को गंजी चुड़ैल वाली बात बताती है। उसकी बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल चुड़ैल बोल कर काहे डरा रही हो सरिता बहन, वैसे इस रूप में भी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कालू की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, जब वो दोनों गंजी चुड़ैले तुम सबको भी गंजा कर देगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। फिर उसी रात दोनों चुड़ैल गांव के कुछ और लोगों को भी गंजा कर देती हैं और उन लोगों के बालों को अपने साथ ले जाती हैं। चुड़ैल को गांव से बाहर निकलते हुए पंडित जी देख लेते हैं और वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये चुड़ैले कोई और नहीं बल्कि मोहिनी और उसकी बेटी चारू है। फिर सुबह होती है तो कालू और गांव के कई लोग अपने आप को गंजा देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो घर से बाहर निकलकर बोलते हैं, अरे भैया देखो तो, देखो तो मेरे सुंदर बालों का क्या हो गया है। सरिता बहन ने सही कहा था, वो चुड़ैल हम लोगों को भी गंजा कर देगी। देखो देखो, सही कहते हो कालू भाई, इन चुड़ैलों ने एक ही रात में गांव के कितने सारे लोगों को गंजा कर दिया है। अरे इससे पहले वो गंजी चुड़ैले गांव के बाकी लोगों को भी गंजा कर दे, हम गांव वालों को कुछ तो करना चाहिए। तभी शहर से मोहिनी का पति गोपाल आता है और गांव वालों से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पंडित जी भी आ जाते हैं और वो गोपाल को सारी बात बताते हैं। गोपाल भागता हुआ उस कुएं के पास जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। गोपाल कुएं के पास बैठकर रोते हुए बोलता है, मोहिनी मोहिनी मेरे बच्चे चारू, ये सब क्या हो गया, अरे मैं तो तुम दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। तभी कुएं से दोनों गंजी चुड़ैल बाहर निकलती हैं। अजी मैं और मेरी बेटी चारू तो मर गए, पर आप ऐसा मत कीजिए, हमारी मौत तो इन गांव वालों की वजह से हुई है और अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर इन सभी गांव वालों को गंजा कर देंगी, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर पंडित जी और सभी गांव वाले दोनों चुड़ैलों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माँ इन सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं पिताजी को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती, माँ इन सभी को माफ कर देते हैं। हम दोनों की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इस कुएं से हमारे मृत शरीर को निकालकर इसका विधि विधान के साथ क्रियाकर्म किया जाएगा। फिर गांव के लोग कुएं से मोहिनी और चारू की लाश को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद पंडित जी पूरे विधि विधान के साथ उनका क्रियाकर्म करते हैं।
जिसके बाद दोनों माँ बेटी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती हैं।